हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हैंड रिटन मटेरियल और उसके साथ साथ उसके हर एक टॉपिक के वीडियो और उसके रेफरेंस बुक भी अवेलेबल करा रहता है। आप होप आपने वेबसाइट चेक की होगी, अगर नहीं की है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ चेकआउट। लेट्स सी टूडेज टॉपिक, रिलायबल मैसेजिंग। जस्ट अ सेकेंड, रिलायबल मैसेजिंग। हमने रिलायबल मैसेजिंग पहले भी एक बार समझा हुआ है, मींस के जब एसओ स्टैंडर्ड स्टैक और एसओ वेब सर्विस स्टैक था, दोनों में रिलायबल मैसेजिंग कॉमन था। रिलायबल मैसेजिंग में ये होता है, अगर हमें सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर के बीच कोई भी मैसेज पास ऑन करना होता है तो रिलायबल मैसेजिंग एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हमें देता है। उसकी हेल्प से हम सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर एक दूसरे के मैसेज पास ऑन कर सकते हैं। रिलायबल मैसेजिंग हमारे इंफॉर्मेशन को सक्सेसफुली ट्रांसमिट करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और रिलायबल मैसेजिंग सर्विस इंफॉर्मेशन जो भी पास होती है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देता वो, और रिलायबल मैसेजिंग ऑलवेज सोप हेडर में इंक्लूड होता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, एप्लीकेशन सोर्स है, एप्लीकेशन डेस्टिनेशन है, RM सोर्स मीन्स के रिलायबल मैसेजिंग सोर्स और रिलायबल मैसेजिंग डेस्टिनेशन, और बीच में मैसेज पास ऑन हो रहा है। अगर एप्लीकेशन सोर्स को कोई भी मैसेज पास ऑन करना होता तो वो रिलायबल सोर्स को पास करता। रिलायबल सोर्स रिलायबल डेस्टिनेशन को मैसेज पास ऑन करता, और रिलायबल डेस्टिनेशन उसके बाद एप्लीकेशन डेस्टिनेशन को मैसेज पास ऑन करता। इसीलिए रिलायबल मैसेजिंग में अगर हम कोई भी मैसेज पास ऑन करते हैं तो पहले वो मैसेज, अगर सर्विस प्रोवाइडर कोई मैसेज पास करता है तो वो डेस्टिनेशन में जाएगा मीन्स के रिलायबल डेस्टिनेशन, और अगर सर्विस कंज्यूमर कोई देता है तो वो रिलायबल मैसेज सोर्स में जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर सर मैसेज दे रहा है और प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है किस वजह से होता है। अब एक मेन पॉइंट, रिलायबल मैसेजिंग में हमारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस करके एक यूज होता है वर्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस का मीनिंग ये होता है कि अगर हम कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस आईडी होता है, वो यूनिक होता है। हमने आई थिंक हमने तीन एप्लीकेशन सोर्स से हमने तीन मैसेज एप्लीकेशन डेस्टिनेशन को सेंड किए, बट एप्लीकेशन डेस्टिनेशन में दो ही मैसेज ट्रांसफर है, वन और टू दो ही ट्रांसफर हुए, तीन नहीं हुआ। इसकी मदद से, सीक्वेंस की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा मैसेज नहीं गया। हमारे पास तीन मैसेज थे इसलिए हमने, और उसकी यूनिक आईडी थी सीक्वेंस, इसलिए इससे हमें पता चला कि तीन नंबर का मैसेज नहीं मिला। इस मदद से हम रिलायबल मैसेजिंग में सीक्वेंस का यूज़ करते हैं, और रिलायबल मैसेजिंग के में चार टाइप की डिलीवरी अश्योरेंस होती है, मीन्स के चार टाइप के मैसेज ट्रांसफर होते हैं। उसके है द एटमोस्ट वन डिलीवर, द एटलीस्ट वन, द एग्जैक्टली वन एंड इन ऑर्डर। लेट्स सी द एटमोस्ट वन। इसका मीनिंग ये होता है, रिलायबल मैसेजिंग में एप्लीकेशन सोर्स ओनली वन और जीरो दो ही मैसेज ट्रांसफर कर सकता है, वन से ज़्यादा और जीरो से कम मैसेज ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। अगर उसने किए वन से ज़्यादा कर दिए तो वो एरर जनरेट करेगा। द एटलीस्ट वन, वन और मोर मैसेज, उसको एप्लीकेशन सोर्स को एटलीस्ट वन मैसेज तो सेंड करना ही पड़ेगा। अगर वो जीरो मैसेज सेंड करेगा तो एरर अकर होगी। द एग्जैक्टली वन, एप्लीकेशन सोर्स को ओनली वन मैसेज ही ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, उसने वन से ज्यादा और वन से कम किया तो एरर जनरेट करेगा। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में सीक्वेंस का यूज होता है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस और अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस की प्रायोरिटी ही मैसेज सेंड होता है। एप्लीकेशन सोर्स के पास तीन मैसेज है और उसकी नंबरिंग 1, 2, 3 है तो उसको पहले 1, 2, 3 ही सेंड करना पड़ेगा, मीन्स के इन ऑर्डर में ऑर्डर पहले से प्री डिफाइन होता है। अगर ऑर्डर डिफाइन है 2, 3, 1 तो एप्लीकेशन सोर्स 2, 3, 1 ऑर्डर में ही एप्लीकेशन डेस्टिनेशन को मैसेज भेजेगा। थैंक यू।